ही न कल एक हो सकते थे, न आज और न ही कल हो पाए। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज मनीष जी और स्वर्णा जी की शादी की पार्टी के शुभ मौके पर रूही और अरमान की सगाई होगी। आज उनका नौका अरमान और रूही की सगाई नहीं हो सकती। मेरी बच्ची की इज्जत इतनी कमजोर नहीं है कि चार लोगों के बात करने से टूट के बिखर जाए। पर आपके रिश्तेदार मेरे और आपके बारे में क्या बात करते हैं? आपने पीठ पीछे बात किया है। रूही और अरमान कभी एक नहीं हो सकते। ना आपका जवाब बदला और ना हमारी फिर अरमान और रूही का रिश्ता तो हम करते ही रहेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि अरमान और रूही की शादी हो, लेकिन आपने आज जो भी किया है वो फॉलो करें। और रूही आपकी बेटी जैसी है मगर हमारी बेटी ही है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें पूछना चाहिए था। एटलीस्ट आप बात करती हूँ। कैसे बात करते सुरेखा जी, कैसे बात करते मनीष जी? इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं था। न आज अरमान और रूही न कल एक हो सकते थे, न आज और न ही कल। मेरे साथ तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम सब मनीष जी एंड स्वर्णा जी की मैरिज एनिवर्सरी पर आए हुए हैं एंड सब कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, सब अच्छा जा रहा है। एंड तभी बीच में नानी जी बोल देती हैं, नानी साहब बोल देती हैं कि हम रूही और अरमान की एंगेजमेंट भी कराएंगे आज ही के आज। एंड ये सबके लिए एकदम सरप्राइजिंग हो जाता है। लाइक ये क्या हो गया एकदम से, मतलब रूही की एंगेजमेंट वो भी अरमान से और वो एकदम सबके सामने। जैसे कि पिछले सीन में हम देख चुके हैं कि पीनानू घर पर आके मना कर चुके हैं कि अरमान की शादी रूही से नहीं होगी, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एंड मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और हम बस क्या ही बताएं अभी इस बारे में। तो उसके बाद पीनानू चले जाते हैं, तो अभी आगे उसकी आगे के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज मनीष जी और स्वर्णा जी की शादी की पार्टी के शुभ मौके पर रूही और अरमान सगाई होगी। आज उनका नौका। मैं भी चाहती हूँ कि अरमान और रूही की शादी हो, लेकिन आपने आज जो भी किया है वो फॉलो करें। और रूही आपकी बेटी जैसी है मगर हमारी बेटी ही है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें पूछना चाहिए था। एटलीस्ट आप बात करती हूँ। कैसे बात करते सुरेखा जी,